आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, जिसका रिव्यू शेयर करने में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट को कुछ दिन यूज किया, उसके बाद ही आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बात नेचुरल लीफ के प्रोडक्ट्स की है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर किया था ऑनलाइन वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, जो कि मेरे पास फाइनली रिसीव हो गए, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इन 3 प्रोडक्ट्स को मंगाया था, जिसमें से जो फर्स्ट है हमारा ककम्बर जेल है, और सेकेंड हमारा ऑरेंज विटामिन सी जेल है, और थर्ड है स्क्रब। तो चलिए इनकी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नेचर लीफ एक अच्छा खासा ब्रांड है, जिसके ये प्रोडक्ट है जो कि 100% केमिकल फ्री है, नो पैराबिन है, यानी कि हर तरीके से हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और सबसे खास बात है, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ऑल स्किन टाइप वालों के लिए परफेक्ट है, इनका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी बंदा या बंदी ईजिली इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ककम्बर जेल की, जो कि कुछ इस तरीके से है। मैं आपको बता दूं, नेचर लीफ वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग ककम्बर स्किन रिपेयर जेल विथ नेचुरल गोल्ड फेयरनेस नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप। ये 200 ग्राम का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि आपकी स्किन को नेचुरली हेल्दी बनाएगा, आपकी स्किन को फेयर क्लियर बनाने में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। ककम्बर के अंदर कूलिंग एजेंट होता है, जो हमारी स्किन को ठंडक देता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारी जो स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करता है, और तो हमारी स्किन को पूरी तरीके से फेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये है जेल, इसको आप कैसे भी यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मेरे को जेल मिला था, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है। आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही अच्छा सा ये जेल दे रखा है। बहुत ही फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत ही ठंडी ठंडी सी जो फ्रेग्रेंस बोलते हैं ये वो वाली यहाँ पे आपको फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ हैंड पे अप्लाई करके, वैसे मैं आपको दिखाई रही हूँगी और इस तरीके से मैं आपको हैंड पे भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ कितना अच्छे से आपकी स्किन में अप्लाई हो रहा है। बहुत ही हल्के हल्के से मैं यहाँ पर मसाज कर रही हूँ, इस तरीके से आपको मसाज करते जाना है, और उसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा परफेक्ट है, और आपकी स्किन चाहे जैसी भी है, पिंपल वाली है, एक्ने वाली है, हर स्किन पे आप इस तरीके से इसको जेल को अप्लाई कर सकते हैं, हर तरीके से ये बेस्ट है। एक ये वाला जेल मंगाया था, जो सेकंड जो जेल मंगाया है वो मैंने विटामिन सी मंगाया है, ऑरेंज स्किन लाइटनिंग जेल, जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अंदर है विटामिन ई, विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। इसके बारे में भी जान देते हैं, तो जो कि ऑरेंज स्किन लाइटनिंग जेल एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। ये जेल फुल ऑफ विटामिन सी, विटामिन ई है, जो कि स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग बनाती है, यानी कि इसके अंदर स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, जो हमारी स्किन के टेक्स्चर को लाइटनिंग बनाती है, डार्क स्पॉट को लाइटनिंग बनाने में बहुत हेल्प करती है, ब्लेमिशेस को लाइटनिंग करती है, और तो हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला बेस्ट लगा मुझे। ये भी ऑल स्किन टाइप वालों के लिए परफेक्ट है, जो कि आपको 200 ग्राम का ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक ये मैंने मंगाया था, और जो थर्ड है ये मेरा स्क्रब है, जो कि विटामिन सी स्क्रब है, लेमन का है। तो ये है नेचुरली विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग, हाइलुरोनिक एसिड, रिंकल फ्री स्किन, एक्ने पिंपल फ्री स्किन, रेडिएंट एंड शाइनिंग स्किन, जो कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, जैसे कि इस पर मेंशन भी है, ना सल्फेट है, ना ही पैराबिन है, तो हर तरीके से ये हमारी स्किन के लिए सेफ है। और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लूँ तो इसके अंदर आर्गन ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, हाइलुरोनिक एसिड है, जोजोबा ऑयल है, आलमंड ऑयल है, और वॉलनट शेल है, और जो कि हमारे स्किन के टेक्सचर को एकदम अलग कर देता है। इसके ओपन कर लेते हैं तो ये भी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया था, तो इसके पार्टिकल बहुत ही माइल्ड से पार्टिकल हैं, आप देख सकते हैं, मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ अप्लाई करके, बहुत ही माइल्ड से इसके पार्टिकल्स दे रखे हैं, जो कि आपकी स्किन पर काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जो पार्टिकल जिसके हार्ड होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारी स्किन पर रैशेस कर देते हैं, तो जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। तो अगर आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उसमें डर्ट जमा हो जाता है, जो कि धूल मिट्टी पसीना ये सब आ जाता है, जो कि इसको ही डीपली क्लीन करेगा।
जिससे एक्ने पिंपल स्किन वाली स्किन नहीं रहेगी, यानी कि जब आपकी स्किन डीपली क्लीन होगी तो एक्ने पिंपल तो नहीं रहेगा ना, और तो ये आपकी स्किन को रेडिएंट करेगा, आपकी स्किन को क्लियर ग्लोइंग एंड ब्राइटनप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्क्रब को भी करने का तरीका होता है, स्क्रब को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और कम से कम हमको 3 से 4 मिनट तक स्क्रब करना है हल्के हल्के हाथों से, और उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर देना है। इनको अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन 3 का कॉम्बो मंगाया था, जो कि ये तीनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगे। वैसे तो ये तीनों ही ऑल स्किन टाइप वालों के लिए परफेक्ट है, जैसा आपको चाहिए। ये स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, नरिशमेंट देगा, और तो और आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा। हर्बल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और तो और सर्टिफाइड है, टेस्टेड है। अप्लाई किया था अपनी स्किन पर तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया था तो मेरी स्किन पर बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस तो आई रही थी, बहुत ही मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो वहाँ पे आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। इनका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।